हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दक्षिता किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी पिज़्ज़ा। तो रोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 रोटी बना लिया है, और रोटी बनाते वक्त मैंने फॉक की हेल्प से सब में इस तरीके से कर दिया है। आप नॉर्मल रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक रोटी ले लेंगे, अब इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप पिज़्ज़ा सॉस के जगह पे टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से लगा के चारों तरफ फैला लेंगे। तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा लिया है। रोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ्रेश रोटी बना कर ली हूँ, लेकिन अगर आपके पास पहले से भी रोटी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे वेजिटेबल्स की। तो आपको जो भी पसंद है वेजिटेबल्स, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और 1 कॉर्न को ले लिया है। प्याज टमाटर को बारीक काट के ले लिया है। अब हम अच्छे से इसकी टॉपिंग कर देंगे। आप टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च, पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर डालेंगे चीज अच्छे से। टॉपिंग और चीज आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस पे डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर। आप गरम मसाला के जगह पे ऑरेगानो या फिर चाट मसाला का यूज कर सकते हैं। अब इसमें 1 चुटकी नमक हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये रेडी है बेक होने के लिए। चलिए इसे बेक करते हैं। बेक करने के लिए तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो ये गर्म हो गया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। तो घी को अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा मैंने रख दिया है, अब इसे अच्छे से ढक देंगे। इसे पूरी अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और पूरे लो फ्लेम पे चीज़ अच्छे से मेल्ट होने तक इसे पकने देंगे। 2-2 मिनट पे इसे चेक कर लेंगे। तो चीज़ पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और बाकी सबको भी सेम प्रोसेस के साथ बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा रोटी पिज़्ज़ा बनकर एकदम रेडी है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो रोटी पिज़्ज़ा रेडी है, एकदम क्रिस्पी। तो मेरे चैनल दक्षिता किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।